Hi viewers, welcome back. This is DK Bhardwaj from Universal, the Institute of English Language Nagrabulia. Dear viewers, in today's video, video number 38, we are going to learn a very interesting topic. And yeah, from this video onward, we are going to start a new series. Before this video, you have been learning to do. And from today, I am going to teach you what to be. So first of all, let me tell you what is the difference between the to do and to be. Thereafter, I am going to teach you the concept of it. So let's move to the board. Dear viewers, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं verb board पे लिखा हूँ verb to be, verb to do. तो verb to be का concept समझिए. Verb to be का मतलब क्या होता है? इस be का मतलब होता है बनना, होना. बनना और होने के बाद जो शब्द आएगा ना वो या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा. वर्ब टू डू की बात करेंगे तो इसमें हमेशा टू डू के कंसेप्ट में हमेशा क्या आता है? हमारा वर्ब ही आता है. तो सबसे पहले समझेंगे वर्ब टू बी होता क्या है. तो आइए यहां पर हम सीखे वर्ब टू बी. वर्ब टू बी तो देख रहे हैं यहां पे, तो जो बी कंसेप्ट है ना, ये बी के कंसेप्ट को पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि ये बी का कंसेप्ट होता क्या है. तो बी को कंसेप्ट यदि हम यहां पे प्रेजेंट की बात करें, यहां पे प्रेजेंट की बात करते हैं तो यहां पे हम लिखेंगे इज, एम, आर. यदि यहां पे आप पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट के सेंस में लिखेंगे आप वाज और यहां पे लिखेंगे वर. यदि फ्यूचर की हम बात करेंगे तो फ्यूचर की बात करें तो देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, ये बी आपका कंसेप्ट हो गया. बी का मतलब ये होना या बनना. लेकिन यहां बी के कंसेप्ट में जो विल है ना, विल और शैल होता है, लेकिन आजकल आधुनिक इंग्लिश में विल का ही प्रचलन है, शैल बहुत कम ही प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए मैं आपको विल का ही कंसेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूं. तो बात समझने का प्रयास करिएगा. देखिए विल जो होता है ना, वो विल से ही पूरे फ्यूचर का निर्माण हुआ है. विल से ही पूरे फ्यूचर का निर्माण हुआ है, क्योंकि कोई भी वर्ब काम फॉर्म फ्यूचर नहीं होता है. यदि आपको बात समझ में नहीं आई ना, आइए मैं आपको समझाता हूं कि फ्यूचर का कोई अपना निजी फॉर्म नहीं होता है. वो जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ विल से ही होता है. आइए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास. जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैं डू लिख दिया, तो डू का जो अदर रूप है, डू हो गया, डिड हो गया, डन हो गया, डूइंग हो गया, यहां पे हो गया डज, है ना. तो डू आपका क्रिया का पहला रूप है, प्रेजेंट में प्रयोग होता है. डिड जो होता है सिर्फ डिड और एक वर्ब हो अर्थात क्रिया का दूसरा जो रूप होता है वो पास्ट में प्रयोग होता है. डन की बात करेंगे तो परफेक्ट में, ये प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, और फ्यूचर का मैं अभी कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं आप लोग को, उसमें भी होता है, पैसिव वॉइस में भी होता है, और क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट. मतलब इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कहां कहां पे इसका प्रयोग किया जाता है. यहां डूइंग जो शब्द है ये क्रिया का आईएनजी रूप है, इसको हम चौथा रूप भी बोलते हैं. और जो डज होता है क्रिया में जब हम यस और ईएस का प्रयोग कर देते हैं तो क्रिया का पांचवा रूप हो जाता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग थर्ड पर्सन के साथ वर्ब के अनुसार जिस क्रिया के अंत में वो एस एस सी एच एक्स डबल एस आता है तो उसमें ईएस हम जोड़ते हैं तो क्रिया का पांचवा रूप होता है, है ना. अच्छा है, यस जोड़ने से प्ले हो गया तो प्ले में यस जोड़ेंगे तो क्रिया का पांचवा रूप होगा. आप समझने का प्रयास करिएगा, आप मुझे समझाइए, देखिएगा, आप मुझे समझाने का प्रयास करिएगा कि इन पांचों वर्ब में कौन सी वर्ब जो है फ्यूचर की वर्ब है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कहीं भी फ्यूचर की वर्ब नहीं है. यदि फ्यूचर का निर्माण हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ विल से हुआ है. किससे हुआ है? विल से हुआ है. अब विल के बाद कोई भी, जैसे विल आप कहेंगे ना विल प्ले हो जाएगा, तो विल प्ले मतलब फ्यूचर विल खेलेगी हो जाएगा. अब विल बी प्ले क्या हो जाएगा? विल बी प्लेइंग. अब ध्यान दीजिएगा, विल बी प्लेइंग में लिख रहा हूं तो विल बी प्लेइंग है ना, तो जो बी है ना, ये जो बी शब्द आपको दिखाई दे रहा है बी इज एम आर के ही स्थान पे प्रयोग किया गया. अभी मैं बी के कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझे ना, आइए एक बिल्कुल उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूं. तो वो समझाऊंगा आपको वर्ब टू डू के अर्थ में, फिर आपको वर्ब टू बी पे ले चलता हूं. तो आइए पहले आपको मैं समझाने का प्रयास करूं क्या फ्यूचर के बारे में. तो देखिए जैसे कि आप कहेंगे
You are playing cricket. एक वाक्य समझिएगा। तो यहाँ पे अभी इसी कॉन्सेप्ट को हम फ्यूचर में कहेंगे यू विल है ना, क्या होगा यू विल। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि आप जब फ्यूचर की बात करेंगे ना तो यू विल प्ले कर दिए यहाँ पे, है ना, आई प्ले, यू प्ले कर दिए, यू प्ले कर दिए। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा इसको कि यू प्ले और यू विल प्ले में अब फ्यूचर किससे बना हुआ है, सिर्फ और विल से ही बना हुआ है, चूंकि यहाँ प्रेजेंट है तो कुछ है तो जो यहाँ तो दोनों बात है कि अधिक हम विल को समाप्त कर दें तो यू प्ले दोनों बात एक ही है। फ्यूचर का निर्माण होगा कैसे है, तो सिर्फ और सिर्फ विल से ही फ्यूचर का निर्माण हुआ है। कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको, आगे और समझाने का प्रयास। देखिए जैसे यहाँ पे यू आर प्लेइंग क्रिकेट होगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे यू विल प्लेइंग क्रिकेट। अब समझने का प्रयास करिएगा, यू विल प्लेइंग क्रिकेट। अभी तो आप यहाँ पे जो बी कंसेप्ट लिखने जा रहे हैं आप, तो बी कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ, क्या है बी जो लिख रहे हैं आप, आर की जगह पे लिख रहे हैं, तो आप बातें समझ में आ जाए ना कि जो बी का ही अदर रूप होता है इज एम आर, पास्ट में उसी को वाजबर कहेंगे। अब बी जो हम जो बी के अभी रचना में भी समझाया हूं वीडियो में कि वी की जो पूरी रचना हुई है वो विल से ही हुई है, आगे हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो आइए आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो वर्ब टू बी और वर्ब टू डू में क्या अंतर है, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो वर्ब टू बी और वर्ब टू डू तो दोनों में समझिए, जैसे आप समझेंगे कि यू आर अ प्लेयर, You are a player, यहां पर हो जाएगा You are playing, दो चीजें हैं। तो यहां verb to be का मतलब होता है होना या बनना, तो होना में या तो noun बनेगा या तो adjective बनेगा। तो player क्या शब्द है आपका, player शब्द क्या है, तो ये आपका player शब्द noun है, और playing शब्द क्या है, यहां पे playing शब्द क्या है, verb है। तो यहां to be बनना हो गया, यहां verb क्या हो गया, टू डू हो गया, समझे। तो टू डू के कॉन्सेप्ट को अभी तक की जो सीरीज में पढ़ाया हूं, जैसे आपको जाना है यू हैव टू गो, आपको खेलना है यू हैव टू प्ले, आप खेलने को है यू आर टू प्ले, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूं इस वीडियो के माध्यम से, अब आगे आने वाली वीडियो में हम टू डू टू बी यानी कि वर्ब टू बी होने का मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो ये कॉन्सेप्ट उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आया होगा कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, फिर से इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। तो आइए आज के टॉपिक पे चलते हैं हम, तो बात करेंगे वर्ब टू बी, और आज के इस वीडियो में वर्ब टू बी के बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर देखिएगा, समझिए पहले, यहां पे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, यहां पे हो जाएगा इज, यहां पे हो जाएगा एम, यहां पे हो जाएगा आर, यहां पे क्या हो जाएगा आपका टू बी। टू बी का मतलब होता है होना या बनना, क्या होगा टू बी का मतलब होना या बनना। अब होना बनना में क्या बनेगा, या तो नाउन बनेगा या तो एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है ना। तो आप इसके हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे, तो आप ये इस स्ट्रक्चर पे, तो हिंदी में जो वाक्य होगा बनने को है या बनने वाले हैं। आप देखिए एग्जाम्पल लिया, आप ना स्पीकर बनने को है या लिख के बताता हूं, आप वक्ता बनने को है या बनने वाले हैं। तो आप इसको कैसे करेंगे, यू आर टू बी क्या अ स्पीकर, आप एक वक्ता बनने को है, ठीक है ना। जैसे राम डॉक्टर बनने को है, राम डॉक्टर बनने को है, क्या लिखेंगे इसको, राम इज टू बी अ डॉक्टर, राम इज टू बी अ डॉक्टर। तो अब इसे
निगेटिव वाक्यों को हम करेंगे तो इज एम आर के बाद हम क्या लिखेंगे यहां पे, नॉट तुरंत लिखेंगे। जैसे मैं वे लोग चोर नहीं बनने को हैं, प्लस नॉट टू बी नाउन या एडजेक्टिव। वाक्य क्या होगा, वे लोग चोर बनने को नहीं है, है ना। आप लोग नेता बनने को नहीं है। आप लोग अभी हेलो, आप लोग नेता बनने को नहीं है, क्या होगा, वे लोग चोर बनने को नहीं है ना, तो लिखेंगे दे आर नॉट टू बी अ थीप। यहां हो जाएगा आप लोग नेता बनने को नहीं है, यू आर नॉट टू बी अ लीडर। तो बस वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए मैं इसके इंट्रोगेटिव कॉन्सेप्ट को नहीं समझा रहा हूं, आने वाले वीडियो में इसको समझा दूंगा डिटेल में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को जरूर देखिएगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे मेरे वीडियो के साथ। हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।